अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जैन समाज द्वारा किया गया भव्य विनौली यात्रा का आयोजन। दीक्षा लेने से पूर्व विनौली यात्रा की परंपरा जैन समाज में लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें बैरागियों की एक शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। शोभा यात्रा का प्रारंभ जैन नगर खेड़ा से शुरू होकर सुहाग नगर होते हुए छदामी लाल जैन मंदिर से होते हुए नई बस्ती से होकर चंदा प्रभु मंदिर पर जाकर सम्पन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के लोग भी सम्मिलित रहे। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की एक खास रिपोर्ट। देखिए किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये विनौली शोभा यात्रा है। निगम की इच्छा लेने से पूर्व भव्य विनौली यात्रा की एक परंपरा जैन समाज में है, जिसमें बैरागियों की एक शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से, जैसे रागी जीवन में संसारी जीवन में दूल्हे की सजा के एक बारात निकाली जाती है, उसी तरीके से बैरागी जीवन में ये विनौली यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें बैरागी के बैराग की परीक्षा उसको समस्त श्रृंगार के साथ की जाती है कि कहीं इसका मन इधर उधर नहीं ढूंढा, अपने श्रृंगार शरीर से हटता है कि नहीं हटता। ये शोभा यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ पर इसका? ये शोभा यात्रा जयनगर खेड़ा से शुरुआत हुई, उसके बाद मुनि शुभ्रत जनाला सुहाग नगर होते हुए छदामी लाल, उसके बाद नई बस्ती, उसके बाद कटरा, उसके बाद चंद्र प्रभु जनाले पर समाप्त होगी। जी अभिषेक जी, जो शोभा यात्रा निकाली गई है कहाँ से लेके कहाँ तक इसका शुरुआत है? बहुत ही हर्ष का विषय है। 108 श्री विमर सागर जी महाराज के पावन शिष्य हमारे भैया जी, अंकित भैया जी और दीदियों की यहाँ पर विनौली यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा जयनगर खेड़ा मंदिर शुरू होकर श्री छिदामी लाल जैन मंदिर, सुहाग नगर जैन मंदिर, श्री बाहुबली दिगम्बर जैन मंदिर, नई बस्ती, कटरा, भेड़ गोकुल और चंद्र प्रभु जैन मंदिर में जाकर समाप्त होगी। ये किस पर्पज में, किस उपलक्ष्य में होगा शोभा यात्रा? ये विनौली यात्रा जो दीक्षा हम लोगों की जो सामान्य जीवन से महाराज जी बनने की जो यात्रा होती है, उसमें सबसे पहली दीक्षा होती है, उससे पहले की यात्रा होती है। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।